गया पोस्ट लेफ्ट पे देख रहे हो ना बिल्कुल लेफ्ट। अस्सलाम वालेकुम पबजी फैमिली, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों सीन ये है कि हम लोग आ गए हैं जॉर्जिया पोल। इधर गाइस मेरा ध्यान नहीं पड़ता है तो मैं उतर जाता हूँ बल्कि ये टावर्स के ऊपर ना ये जो बने होते हैं मेरे दोस्त राणा साहब साहब होते हैं, कहते हैं किधर उतार दिए यार, एक्चुअली मुझे पता ही नहीं होता। आप लोगों से भी कभी ऐसी गलती हुई होगी तो नीचे जाते हैं, उतरना किधर था उतर किधर के। तो गाइस उतरते हैं नीचे, लूट वगैरह करते हैं, फिर बंदे बंदे लपते हैं, निकल पड़ते हैं आगे, इन्जॉय करें गेम अपने दोस्तों। यार लूट वगैरह की है, लूट वगैरह करने के बाद थोड़ी बंदे की फील्डिंग लगाते हैं। तो राणा साहब कहते हैं इधर बंदे हैं, तो इधर एक बॉट अचानक से ज़ाहिर हो जाता है तो बॉट साहब को करते हैं डाउन। इसी खुशी में दोस्त, अगर तो आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और दिल खोल के लाइक ठोको। लाइक करने में कंजूसी नहीं करनी यारो, दिल खोल के लाइक करो। तो इसके बाद निकल पड़ते हैं लूट वगैरह करके, बंदे स्पॉट करते हैं, देखें गाइस कैसे डील करते हैं। यहाँ पे द गाइस फायरिंग की आवाज़ आई है तो जाके देखता हूँ बंदा किधर गया। तो मैं ऊपर चढ़ता हूँ, मैं तो अच्छा खासा उसको स्प्रे देता हूँ एक एम जो आयरन ना गाइस, ये तो बेस्ट है, मेरी फेवरेट है टू बी फ्रैंक विथ यू। M76 उससे अच्छी लगती है, उसके लिए अटैचमेंट वगैरह चाहिए होते, कभी मिलती कभी नहीं मिलती, तो फ़ायदा नहीं होता। बंदा चला जाता नीचे, उधर राणा साहब वहाँ से उसको डाउन कर देते हैं। तो बस खलास इसको स्पॉट करता हूँ मैं नीचे जाके, बंदा ज़्यादा। यहाँ पे एक अच्छा खासा गंदा वाला ग्लिच होगा जो मेरे साथ अक्सर होता है यार, अनस्टॉल करके फिर स्टॉल भी कर दिए लेकिन फिर भी वही सिस्टम यार, सामने जब एनिमीज आता है तो उसके बाद गेम में एकदम से फ्रीज हो जाती है। राणा साहब कुछ ही होती है, हील तो हील वाला देखे, निकल पड़ते हैं बंदों को ढूंढने के लिए। देखें कहाँ आता है, ये बंदे साहब आने वाले हैं तो इन बंदों को देंगे एक मस्त वाला। कभी कभी फील्डिंग करनी पड़ती है गाइस, ये सामने एक गेम फ्रीज लिटरली मैन, व्हाट द हेल इज दिस। तो बंदे साहब आते हैं उसके साथ, वो माचो बन के आ रहे हैं, इसको भी अच्छा खासा डाउन किया है। राणा साहब को बोलता हूँ फ्लैंक करो, एक बंदे को लाजिम करना चाहिए फ्लैंक, मेरा तो पर्सनल आइडिया ये है। अल्हम्दुलिल्लाह किल मिल जाते हैं गाइस, इनकी लूट वगैरह करेंगे और निकल पड़ेंगे शूटर की तरह। गाइस देखिए आगे कैसे करते हैं बंदों से। दोस्तों मैंने लूट वगैरह कर ली उन लोगों की, बस निकलते हैं। बोलते हैं खलास यार पता नहीं बंदे कितने मार मुर्गे ने, इतनी जल्दी ख़त्म हो गया यार। यहाँ से ऊपर से ना भाई कैंपर गंदा वाला स्प्रे मुझे देता है, मुझे पक्का डाउट हो जाता है कि ये कहीं छुपा हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ जो कंटेनर खुले हुए उनमें छुपा हुआ है। राणा साहब को मैं कहता हूँ उधर गया, क्योंकि जिसको मारेगा पूरा मारेगा उन्हीं बंदों का होता है दोस्त ना, जो जिनको हमने ख़त्म किया होता है। ढूंढ रहे हैं इनको भाई, कभी ऊपर नीचे, वो बहुत जवान का बच्चा खतरनाक कैंपर है, देखना कहाँ छुपता है, वो मुंडी दिखाता है छुप जाता है। देखें गाइस वहाँ से तो मैं इसको स्पॉट करने की कोशिश की, मुझे नज़र नहीं आती। यहाँ पर जब मैं आया था ना, ये शेख साहब वो ऊपर छुपे हुए, देखना भी नज़र आएगा, हल्की सी अपने सिरी दिखाएगा वो ऊपर से ना, वो ऊपर आएगा देखना। ये आया, कम ऑन बेबी कम, वो आया। यहाँ से मैं इसको बहुत कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ करूँ लेकिन नहीं दे पाता। हम लोग भाग भी नहीं सकते, अगर हम लोग जाएंगे तो हमको मारेगा, इसने बहुत टाइम वेस्ट करवाया, अल्लाह तुझे पूछेगा मेरे भाई। सीरियसली यार जोन भी आ गई होती है, कुछ हीलिंग वगैरह नहीं होती, तो बस ये ऊपर होता है। तो मैं फिर काफ़ी देर कोशिश करता हूँ, मेरा ऐसा बोलता हूँ दूर जाके इसको वहाँ से देखें, लेकिन बहुत तरीके से ना पीछे जा रहा है आगे जा रहा है, अच्छा प्लेयर है लेकिन कैंपर क्यों बना नहीं मालूम। देखो इसको मैं मारता, देखें कैसे यार। बंदों का वेट करते करते एक बॉट आ गया, वो मैंने खुद ही कटवट कर दी वहाँ से, बहुत वेट कर 17 बंदे रह गए थे। बस इतनी सी बात थी, मैं भी अगर तू कैंपर है भाई हम भी कैंपर हैं, ऐसे तो फिर ऐसे सही मारते हैं। फिर गाइस हम निकल पड़ते हैं आगे, गाइस आगे देखें मस्त वाला मज़ा आएगा। नाम उसने मुजरिम रखा हुआ था। वहाँ से निकलते हैं गाइस, तो यहाँ पे पोचंकी आते हैं, आपको पता ही है कि कोई ना कोई बंदा लुक छुप के ऊपर, वो देखे खिड़की से नज़र आया होगा। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं गाइस, तो यहाँ पे बंदे होते हैं, ये बंदे भी जवान के बंदे सही यार, कैंपर होते हैं, कैंपरों से जो पैरा पड़ता है ना सही तब चढ़ती है। तो एक राणा साहब को मैं बोलता हूँ फ्लैंक करें, पर नेट हेड करते हैं, चेक करते हैं। राणा साहब कहते हैं वो ऊपर छुप के बैठा हुआ, ऊपर चढ़ा हुआ है। तो गाइस देखें इनको कैसे डील करते हैं, लाजम एक बंदे को फ्लैंक करना पड़ता है। अगर आप जब भी डू वर्सेस स्क्वाड खेलें गाइस, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि कोऑर्डिनेशन सपोर्ट एक दूसरे को करें, यानी कि एक माचो बन रहा आगे मैं जाके सब बंदों को मारूंगा। सोलो वर्सेस सोलो और सोलो वर्सेस स्क्वाड इज टोटली डिफरेंट, लेकिन अगर दोस्त के साथ खेल रहे हैं तो दोनों को कोऑर्डिनेशन और हर चीज़ एक दूसरे को बताना लो है नहीं लो है, ऐसे आप लोगों की गेम इंप्रूव होगी गाइस। देखें मैं कैसे उसको मारते हैं हम लोग। दोस्तों काफ़ी वेट किया उन लोगों का, तो राणा साहब राइट में चले गए थे छत के ऊपर ना, तो ये बंदा भी छत पे था। राणा साहब कहते हैं उसको मैंने अच्छा खासा लो किया, तो आप कर दो इन पे ना
पुश पर मैं बोलता हूँ कल बंदे ने राइट सिग्नल दे दिया तो मैं पुश कर देता हूँ, ये जवान साहब ऊपर जाते हैं, दो बंदे होते हैं, मैं कहता हूँ नहीं छटना भाई। राणा साहब कहते हैं ना, उन नहीं बजता रहना। ये है शेख साहब गए, ये गिरीवार तो गया, दूसरा बंदे को देखते हैं किधर है, तो इस तरीके से भाई इस बंदे को भी फिनिश करते हैं। और ये आ गया चौधरी साहब, पता नहीं क्या समझ के आया था, इसको राणा साहब मारते हैं, इसको मैं इन लोगों की लूट वगैरह करते हैं, तो कैसे निकल पड़ते हैं आगे आगे देखें बंदों को कैसे कैसे डील करते हैं। दोस्तों लूट वगैरह करके निकले आगे तो जा रहे होते हैं, तो भाई हम पे हो जाती है फायरिंग। तो आपको पता है जब बंदा फायर करे तो राणा साहब तो कहते हैं बस हूँ नहीं छड़ना इन्हें। तो बस यार आते हैं इनको स्पॉट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बंदे होते हैं जोन के बाहर। इन बंदों ने हमको लास्ट में बहुत तंग किया, लिटरली यार हम लोग तंग आ गए थे। माचो थे, बड़े चालाक बंदे थे, अच्छे प्लेयर थे, लेकिन आपको पता है कि फिर अगर दिमाग लगा के खेल रहे तो हमसे नहीं बच सकते। इन्होंने भगा भगा के हमने इनको मारा, स्पॉट होंगे अच्छे खासे गाइस, देखना यहाँ पे नज़र आएंगे स्नाइपिंग के ऊपर, लेकिन इनको गाइस कर देते हैं फिनिश सर्कल में जा के एंड में, तो सही अच्छा वाला डील करते हैं। ये यहाँ पर नज़र आएंगे देख अच्छा, ओहो फिर हम भी निकल पड़ते हैं, सर्कल में भी जाना होता है गाइस टाइम वेस्ट किए बगैर। तो आगे देखें गाइस कैसे डील करते हैं, इन्जॉय करेंगे गाइस। दोस्तों टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग यहाँ पर आए थे, तो वो जाते हैं जीप में इधर ना, शायद दो स्क्वाडें होती हैं एक होती हैं, लेकिन बहुत गंदा ना ये बंदा स्प्रे दे रहा होता है, मुझे बहुत टफ चढ़ती है। असल में मेरे पास मिनी होती है यार, मिनी आपको बोलता है टप 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 टाइम वेस्ट। अच्छा वो इतने चलाक होते हैं, ए भाई जीप वाले को आगे लगाया होता है टीम मेट में, बोलते हैं जीप जैसे हम यानी कि लिटरली हम लोग बेथ कर रहे हैं, हम लोगों को पक्का वाला बेत कर रहे हैं, लाइक हम लोगों को कह रहे हैं कि मतलब वो बाहर निकलेंगे हम लोग उनको मारने के लिए जाएंगे तो वो लोग हमें मारेंगे। और वाकई में ऐसे होता है, ये मैं निकलता हूँ जीप वाला आ रहा है, देखिए मैं बहुत मुश्किल से बचता, लेकिन उसके साथ ही पीछे से मार रहा होता है। एक दफ़ा गया ऐसे भाई, ये कभी इधर भाग रहा है कभी उधर भाग रहा है भाई, इसने अच्छा खासा, लेकिन उसकी जो टीम मेट है पीछे से मार अच्छी खासी, ये लोग ना अपना दिमाग लड़ा रहे थे, लेकिन भाई हम भी तो क्या छोले बेचने के लिए आए इधर, लेकिन सही इनको बट डील करता हूँ मैं सीरियसली, मैं भी इनको सही भगा, मैं डांस भी करेंगे गाइस इनके ऊपर इनको मारने के बाद, इन्जॉय करें करते क्या हम लोग इनके साथ। जीप वाला भाई बना हुआ है रैम्बो रैम्बो जॉन रैम्बो, आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है, वो जीप वाला ये तो खड़ी हुई जीप है अभी ऊपर से फिर आएगा, जा रहा है आ रहा है आ रहा है जा रहा है। राणा साहब भी तब के कहते हैं ऐसे सही हमको फुद्दू बना के रखा, बीच में कहते हैं कभी किधर। असल में वो जो बंदे दरख्त के पीछे हैं ना, वो अलग अलग पोजिशन पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर आगे कार मिलती है, पहले देखता नहीं हूँ मैं तो इस घर में बात, मुझे कार 98 मिल जाती है, मैं फिर जंप करूँगा जाके बंदे को मारूंगा, बंदा फिर गायब। सही जोकर बना के रखा है लिटरली यार इसने, कभी आता है कभी आता है। असल में हम लोग प्रॉपर स्प्रे क्यों नहीं दे पाते, क्योंकि आपको पता है कि सर निकालेंगे तो मार देगा, तो टूर्नामेंट्स में भी अक्सर ऐसा ये आया मैं स्प्रे निकालने लगा हूँ, ये गया भाई साहब, ऐसे तो नहीं चलता दोस्तों, इस तरह के कामों में ऐसे नहीं होता मेरे प्यारे भाई, तकलीफ तो इसको बहुत खासी अच्छी खास होगी। अच्छा अभी रह गई दो स्क्वाड, वो लेफ्ट वाले इसके साथ ही और दो राइट से, गाइस देखें इनसे कैसे डील करते हैं, वो भी बड़े अपने तरीके से ना आके माचो बन के आएंगे, एक घर में तो बंदा आ गया हुआ है बड़े तरीके से, गाइस देखें वो राइट में भी आएंगे, बंदे को कैसे भगा भगा के मारता हूँ मैं भी। कभी कभी ना नेट जो होते हैं कुक किए बगैर ही बंदा फेंकते हैं, इसकी वजह क्या होती है कि आप लोगों को पता है कि बंदे राइट लेफ्ट से भाग भूक के आ रहे हैं चूहों की तरह, तो इधर राणा साहब को भी कर देते हैं डाउन, तो कहता है कि एक एक होता है दो दो होते हैं, तो वो अच्छे प्लेयर हैं नज़र आ रहे हैं, तो मैं माचो थोड़ी बनूँ कि जाके मैंने एक को नॉक कर दिया। कुछ लोग होते हैं जज्बाती, एक पॉइंट लाजम नोट करें कि जब तक अगर आपका फ्रेंड या कहता है कि या आपको अपनी गेम पे एतबार नहीं है पुश मत करें, मुझे मालूम था कि मेरा दोस्त मेरे साथ है मैं उसको क्या जोड़ के क्या करूं, उसको मैं नॉक कर दी है लेकिन वो अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन हम भी तरीके से दिमाग है छोले बेचने के लिए, गाइस देखें इनको कैसे मारूंगा मैं भी, यहाँ उसका डाउन था और उसके साथ ही कैसे आएंगे बहुत तरीके से भाई वो गेम कर रहे हैं, लेकिन उनको पक्का मारो, स्मोक कर दी उन्होंने हमारे सामने स्मोक में मेमोरी कर दूंगा, लेकिन बच नहीं करते, गाइस देखें इनको कैसे डील करते हैं, इन्जॉय करें। उन्होंने जोन में आना उन्होंने बिल्डिंग में चला गया वो करके ना, तो बहुत टैक्टिक वाली गेम थी, चाहता तो मैं कट वगैरह कर देता लेकिन इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। कुछ लोग होते हैं बस अंधा पुश करते हैं भाई तंग आके ये वो ये बंदों को जाके मार देते हैं, नहीं सीनियर गाइस वो देखिए वो सामने ना स्मोक से इधर राइट में आगे हुए हैं मेरे, राणा साहब नेट वगैरह करते हैं कुछ, लास्ट सर्कल ने हमारी बैंड बजाई होती है, दो हम हो गए
सामने वाले दो हो गए और दो पीछे से आएंगे, वो सामने से आए स्प्रे से बच जाता है। हाँ लेकिन अच्छा एक अपने आप को बहुत तरीके से ला के ना हमको उल्लू बना के आगे राइट में, दूसरा ऊपर से फ्लैंक करेगा, लेकिन मैं उसको देख लेता हूँ, उसको ऊपर से सही डांस करता हूँ ना, मैं वेट कर रहा हूँ कि किस तरीके से निकले कोई हो कुछ हो, उससे स्मोक वगैरह भी करेंगे वो लोग बहुत तरीके से ना, वो लोग आएंगे तो मैं एक को देख लिया होता है कि वो ना यहाँ से लेफ्ट से ना फ्लैंक करके जाएगा और एक उधर ही एक राइट साइड में रहेगा, ताकि हम पे ना इस तरीके से पुश करें, वही प्रॉपर माइंड सेट गेम्स तहमुल से कर रहे हैं। तो मैं देखा है कि अभी यहाँ से ना एक लेफ्ट में जाएगा, तो गाइस देखना उसको मैं कैसे डाउन कर, और बूस्ट वगैरह यहाँ पे लाजम लिखें, बूस्ट लाजम आना है। अब मैं टाइम वेस्ट किए बगैर मैं उसको देख लेता हूँ और यहाँ पे जाके उस बंदे को कर देते फिनिश, ये कर दिया नॉक। नॉक करने के बाद डांस तो बनता है दोस्तों, बहुत देर थी स्नाइपिंग तो, हाँ और का स्नाइपिंग मेरे सामने बहुत तरीके से दोस्तों, मेरे पास मिनी थी, मैं बोलता हूँ ज़्यादा वेस्ट नहीं करना क्योंकि रास्ता उधर रखे वाले हैं, तो उसका दोस्त आता है ये है बड़े, देखो टेक्निक ये भाई, राखी लोग बड़े जालिम है, बड़े तरीके से खेलते हैं। अभी रह गए 2-2 vs 2, तो गाइस देखें उनको कैसे करते हैं, फिर इंजॉय करें दोस्तों। यार इधर थोड़ा सा बेनिफिट हम लोग को मिल गया क्योंकि स्पॉट मैंने इनको कर लिया, ऊपर से मैंने कट वगैरह किया है तो लोगों ने जोन के अंदर आना था, जब जोन के अंदर आते हैं तो ये माचो को तो मैं देता हूँ अच्छा वाला डक साहब बजाते हैं बतख, पागल कहाँ ओपन में जाके लेट रहा यार, अच्छी खासी स्नाइपिंग कर रहे थे ये लोग ऊपर से ना पहले, तो इसका साथी होता है तो साथी साहब यहाँ पे लेट जाते हैं, पहले तो मुझे स्पॉट नहीं होता, मैं ढूंढ रहा हूँ तो राणा साहब इसको ढूंढ के देखें कैसे बग्गी के नीचे देंगे। तो यार तंग आया तो यार मैं बार बार बंदे को वेट करते करते पता नहीं किधर लेटा होता है, उसका साथी होता है तो कहा बग्गी लाता हूँ, तो बग्गी लाने के बाद राणा साहब भी बोलते हैं मैं जाता हूँ अगर फायरिंग करेगा तो मैं कर दूंगा, लेकिन राणा साहब उसको कुचल ही देते हैं, राणा साहब वही बताते वहाँ कहाँ लेटा होता है, वो जहाँ के उसको ख़त्म कर देते। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, टाइम पास खेला था हम दोनों ने बस अच्छा निकल आया, इतने हैवी खेल तो नहीं किए लेकिन अच्छा था दोस्तों के साथ खेलने मज़ा आया। दोस्तों भाई को सपोर्ट करो, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, कम्युनिटी को सपोर्ट करो, अपना ख्याल रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, लास्ट वाली वीडियो लाता रहूँगा इसी तरीके से, चिकन हो गया, टाटा बाय बाय।